हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आप लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखा होगा जो मैंने अपलोड किया था, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उनके आंसर के सहित विद आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। एक बच्चे का कमेंट आया था, दीदी मेरे लिए एक ऐसा वीडियो बनाओ चाहे वो कितने भी मिनट की हो, 3 घंटे की हो, अगर हम एक वीडियो को देखें तो हमें दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश तो बहुत करी कि एक ही वीडियो में कम्प्लीट करा दूं, लेकिन हमारे फोन में उतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि हम 3 घंटे की या 1 घंटे की भी या 50 मिनट की भी वीडियो बना पाए। तो जितना हो सकता था फोन में उतना मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है और फिर इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो अगर आप एक प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो सीक्वेंस से ये सभी चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको बार बार ढूंढने की या चेंज करने की वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हमारी तरफ से आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, जो कि आपको एग्जाम में पास कराने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई तैयारी नहीं करी है, तो ये जो सॉल्यूशन पेपर है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन रहनी है कमेंट ना, ऐसे ही आगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, अगर आप लोग बोलोगे तो ऐसे ही आगे मैं पूरा कवर करवा दूंगी। सॉल्व पेपर 2018 फार्मेसी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी बुक्स हमारे टाइम की हैं, तो फिर फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी पहले ऐड था, लेकिन अब सिर्फ फार्माकोलॉजी रह गया है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सॉल्व पेपर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को दर्शन होते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के, जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है इसके बारे में। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो चिंता की कोई बात नहीं, अभी हम लोग तुरंत जान जाएंगे। तो जनरल एनेस्थेसिया यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको इसके क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं लिखना है। यहाँ पे आप एक हेडिंग डाल सकते हैं एग्जाम की कॉपी में लिखते समय, डेफिनेशन जनरल एनेस्थेसिया जो सामान्य एनेस्थेटिक। देखिए, जो वर्ड्स आपको इंग्लिश में पता है उन्हें आप आराम से इंग्लिश में लिखिए, जो वर्ड्स आपको हिंदी में पता है मतलब कि इंग्लिश में मीनिंग्स नहीं आ रही है, डिफिकल्ट लग रहा है या आपको लगता है कि मिस्टेक हो जाएगा, तो उन वर्ड्स को आपको हमेशा हिंदी में ही लिखना है। ये जो जनरल एनेस्थेटिक होती हैं वो शरीर के केंद्र मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, इसीलिए इनको जनरल एनेस्थेटिक कहा जाता है, मतलब कि बेहोशी की लेस एट कॉन्सियसन को कम करते हैं, ठीक है, कॉन्सियस उत्पन्न कर देती हैं, जिससे कि पेन नहीं होता। जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह या कोई चोट लग जाती है तो व्यक्ति को ज्यादा दर्द ना हो, इसलिए एनेस्थेसिया का हम लोग दवाई इंजेक्शन वगैरह यूज करते हैं। इससे ये होता है कि अगर हमारे बॉडी में कोई पेन हो रहा है तो नर्वस सिस्टम जो होती है वो हमारे माइंड में जुड़ी होती है, तो वो जो नर्वस सिस्टम होता है उन्हीं के रास्ते हमारे ब्रेन में पता चलता है कि हाँ भाई इस जगह दर्द हो रहा है, तो उन्हीं नर्व को ये दवाइयां जो होती हैं वो ब्लॉक कर देती हैं, तो हमारे माइंड तक ये इन्फॉर्मेशन ये नहीं बता पाती हैं कि आपके बॉडी में यहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब सुन्न टाइप का हो जाता है। तो ये हो गया इसका छोटा सा डेफिनेशन। और देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और आइडियल कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में है यही पूछा जाता है, ठीक है। और आपको एग्जाम में अपना क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या गया है। इनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप ऐसे ही एकदम अपनी कॉपी में लिख सकते हो एग्जाम वाली। निषेधक करती हैं मतलब कि बॉडी को सुन्न कर देती हैं, उनको शिथिल मतलब कि ढीला कर देती हैं बॉडी को, जिससे कि पेन नहीं होता है बॉडी में, और नॉन फ्लेमेबल मतलब कि पोटेंट नहीं होता है, दर्द नहीं होगा, है ना, यही सब है। और बहुत ही इजी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन पेपर कम्प्लीट करना है, लेकिन हाँ आपको वीडियो को प्रेस करके एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत से बच्चों के यही कमेंट्स रहते हैं, दीदी मुझे हिंदी में क्वेश्चन बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हिंदी में, बहुत ही ज्यादा कुछ वर्ड डिफिकल्ट होते हैं, जरूरी नहीं हर जगह इंग्लिश ही कठिन है, हिंदी ही सरल है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है और जो कम्फर्टेबल लग रहा है उसी को यूज करना है, जहाँ हिंदी लग रहा है कम्फर्टेबल वहाँ हिंदी, जहाँ इंग्लिश कम्फर्टेबल लग रहा है वहाँ पे इंग्लिश। तो आपको
अच्छे से एकदम मिक्स इट वेल करना है दोनों को और एग्जाम की कॉपी बनाना है बेस्ट। ओके तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है तो इसके बारे में देखते हैं। साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करती है, स्केलेटल मसल को टोन करती है, इन्विलेटरी मसल्स को कम मूवमेंट करने में काम करती है, एक्यूट मसल स्पाम ऑर्थियोपेटिक कंडीशन में जैसे कि टेटनेस के ट्रीटमेंट में इनका यूज सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो मेडिसिन होती हैं जो दवाइयां होती हैं वो यूज की जाती हैं। ठीक है ठीके? तो यहाँ पे देखिए फिनासिन मेटेक्सोलोन और डाइजीपाम बैक्लोफेन, तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजीपाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी जो आपके टॉपिक्स है ना उनमें ये डाइजीपाम जो क्लासिफिकेशन है वो ऐड किया गया है तो इसको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है तो यहाँ पे देखिए इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इनमें इसके अलावा कुछ भी आपको लिखना नहीं रहेगा तो इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये सबसे पहली मतलब कि फर्स्ट दवा है ड्रग है जो अनकॉन्सियस उत्पन्न करती है, ठीक है, जिससे कि मसल रिलैक्स होता है और लोकल एनेस्थेटिक की भांति मतलब कि लोकल एनेस्थेटिक, अभी हम लोग ने जनरल एनेस्थेटिक देखा था ना, लोकल एनेस्थेटिक मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया को ट्रीट करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक का यूज किया जाता है उसमें ये बहुत ही ज्यादा वर्क करती है। और यहाँ पे इनकी सावधानियां भी लिखी हैं, अगर इनका इस दवाई का यूज ज्यादा मात्रा में किया जाता है तो ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसको डिप्रेस कर देती है जिससे डेथ का कारण हो सकता है, तो इन दवाइयों को ज्यादा भी यूज नहीं किया जा सकता है। और इसको यूज कैसे किया जाता है, ओरली लिया जाता है, ओरली जब लिया जाता है तो इसमें ड्रग्जीनस नोजिया होने के चांसेस रहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और इनका ये इंजेक्शन भी आता है और क्रीम भी आती है, ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बैक्लोफेन जो इम्पोर्टेंट है, जीएबी मतलब की गाबा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड जो की उत्पन्न ड्राइव होते हैं, मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक रिलैक्सेशन ट्रांसमिशन के अवरोध अपना जो इफेक्ट होता है उसे प्रोड्यूस करती हैं। इससे क्या होता है, मसल्स वीक नहीं होती हैं, डाइजीपाम की तुलना में ये लेस सिडेटिव होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड स्पाइनल इंजेक्शन के रूप में बहुत ही ज्यादा ये मोस्टली इफेक्टिव होती है। ठीक है, ये बैक्लोफेन जो कि गावा में इफेक्ट करती है। ओके अब इनके साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं, जो ज्यादा इफेक्टिव रहता है वो उसके साइड इफेक्ट देखना भी जरूरी है क्योंकि जो ज्यादा अच्छा होता है तो अगर कुछ गलत देखता है तो वो उतना ही खतरनाक भी होता होगा, आप लोगों ने जाना ही होगा मूवी वगैरह में ये देखा होगा। ठीक है तो इनके साइड इफेक्ट ये है, नोजिया वॉमिटिंग, आप सभी साइड इफेक्ट में जितने भी साइड इफेक्ट अगर आपको लिखना है नहीं याद आ रहा तो कहीं पे भी नोजिया वॉमिटिंग ये लिख सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी और ये सब तो इसका कॉमन है, स्किन रेसेस ये सब हो जाता है। ठीक है अब देखते हैं हम लोग डाइजीपाम के बारे में, इसे वॉल्यूम पैक्सम कैलम्पस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डाइजीपाम जो होती है वो ब्रेन में स्पेसिफिक रेस्पिरेट मतलब पर गावा गावा एमिनो जैसे कि पहले ही बताया था को अवरुद्ध करती है, मतलब कि इसके एक्शन को कम करती है और फिर अपना जो इसका इफेक्ट होता है वो अच्छे से प्रेजेंट करती है। इसका प्रयोग, इसका जो यूज होता है पैरेंटल रूट द्वारा किया जाता है, ओरली किया जाता है, स्पाइनल इंजरी एंड ट्रीटम में अधिक किया जाता है और इसे एनाल्जेसिक के साथ ही यूज किया जाता है। डाइजीपाम जो होता है उसे एनाल्जेसिक के साथ ही किया जाता है। ठीक है तो यहाँ पे हो गया वो वाला क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, इस औषधि को पैरासिम्पथेटिक ब्लॉकर भी या कोलिनर्जिक ब्लॉकर एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक को ये याद रखना है। इस प्रकार की जो औषधियां होती है, मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है, कुछ भी लिख सकते हो, एसिटाइल कोलिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर को अवरुद्ध करते हैं मतलब कि ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन एजेंट जो होता है वो पैरासिम्पथेटिक नर्व एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग पर अपना कोलिनर्जिक एक्शन इफेक्ट करता है, इनहिबिट कर देता है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, आप छोटी सी लिख सकते हैं मतलब कि उसके बारे में बताना, उसका इंट्रोडक्शन देना यही है। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा सा दिया गया है। क्लासिफिकेशन में नेचुरल एल्कलॉइड होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक यूजफुल ओपियोथेमिक यूजेस होते हैं। ठीक है, तो इनमें डीहायोसाइमस और बेलाडोना ये लिख लीजिएगा, इसका फर्स्ट का नेचुरल एल्कोलाइड का, और ये हायोसाइन भी लिख लीजिएगा। सेमी सिंथेटिक में होमोट्रोपिन एट्रोपिन मिथाइल इसको लिख लीजिएगा, मिथाइल नाइट्रेट भी है आगे। ओके, और सिंपथेटिक में
साइक्लोपेंटोलोइन और ट्रोपिकामाइड, इन दोनों को लिख लीजिए। तो दो दो करके आप लिख लोगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काफी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एंटी कन्वुलेशंस एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। इन मेडिसिन को एपिलेप्सी रोकने के लिए, मतलब कि एंटी कन्वुलेशन ड्रग का यूज किया जाता है एपिलेप्सी के दौरान, जब अचानक किसी को ब्रेन में ग्राइमीटर इलेक्ट्रोनोसिफेलोग्राफिक सिक्रेशन जो इंक्रीज हो जाता है, उसी के कारण जो मसल्स होते हैं उनमें खिंचाव होने लगता है और जो माउथ होता है उनके जावाज जो होते हैं वो लॉक्ड हो जाते हैं। खिंचाव के कारण ही ये एपिलेप्सी का प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और फ्रोथिंग एट माउथ, मतलब कि आई जो होते हैं उनकी बॉल्स अप डाउन होने लगती हैं, अपर वर्ड में चली जाती हैं। इनके ये सिम्टम्स हैं, लक्षण है। ठीक है, एंटी कन्वुलेशन जो ड्रग्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस करते हैं और वो फिर अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि मतलब ये एंटी कन्वुलेशन ड्रग का क्यों यूज होता है, क्या है इसका रीजन। ठीक है, अगर आप चाहो तो वीडियो को ब्रश करके आराम से पढ़ सकते हो। इसके आगे इसका क्लासिफिकेशन बताया है, चलिए देखते हैं। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में फेनिटोइन मेडिसिन दी गई है, बारबिट्यूरेट में फेनोबारबिटोन, बारबिट्यूरेट में फेनोबारबिटोन, ऐसे आप ट्रिक से लर्न कर सकते हो। एमिनो स्टेबलिन में, इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है क्लासिफिकेशन को। कार्बाजिपिन, सेक्सिनिमाइड में फेनसेक्सिनिमाइड और इथोसेक्सिनिमाइड है। ठीक है, इसकी ये क्लासिफिकेशन। फिफ्थ मेंबर में ऑक्साजोलिडिन डायोन, नाम भी बड़े अजीब हैं, ट्राइमिथाडायोन। ओके, नेक्स्ट सिक्स नंबर है बेंजोडाइजिपिन में क्लोराजिपाम, मसलेनियस का है सोडियम वेलपोरेट। तो आप जो इजी हैं, जैसे कि ये हो गया, इन्हें आप, और ये भी हो गया, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है ये पांचों। ओ नो, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, एनालेप्टिक्स के बारे में। डेफिनेशन हेडिंग डालना है, शरीर में विभिन्न प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक, मतलब कि मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन, बहुत से टेंशन वगैरह रहती है। ठीक है, उनको मेंटली डिप्रेस से पीड़ित, जो पेन हो रहा है उस रहने वाले व्यक्ति के लिए एनालेप्टिक ड्रग, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्साइट करने वाली जो दवाइयां होती हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को उत्तेजित कर देती हैं, उन दवाइयों को एनालेप्टिक्स कहते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत इजी है, बट आपको हमेशा याद रखना है क्लासिफिकेशन भाई हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश में ही लिखना है। आप इसे खुद पढ़ सकते हो, इस वजह से मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। नेक्स्ट चलते हैं डायुरेटिक्स टॉपिक पर। वे ड्रग्स जो बाई किडनी यूरिन फॉर्मेशन की मात्रा को बढ़ा देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डायुरेटिक्स कहते हैं, और यह अपना वर्क नेफ्रॉन पर इफेक्ट करके शुरू करती हैं, और ये ग्लैमुरल फिल्ट्रेशन जो होता है उस पर अपना इफेक्ट शो करती हैं, जिससे कि नेफ्रॉन से ही एक्टेड होता है। ये जो दवाइयां होती हैं ये यूरिन में कैल्शियम सोडियम आयरन की मात्रा के साथ वाटर की मात्रा को एक्सक्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं। ऐसी होने से जो बॉडी का ऑस्मेटिक बैलेंस होता है वो रेगुलेशन को बनाए रखने के लिए ऑडिमा के लिए भी किया जाता है। और यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। तो इनके क्लासिफिकेशन टू पार्ट में डिवाइड है, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एक्शन और ऑस्मेटिक डायुरेटिक। ठीक है, ड्रग इंक्रीज रेनल सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन में कार्बोसिलिन ग्लाइकोसाइड्स और इसका एग्जांपल है डिजिटेलिस। नेक्स्ट है जेंथेटिन एल्कलॉइड में, बहुत ही इजी सा कैफीन, बहुत ही ज्यादा इजी सा है। ठीक है, तो ये दोनों आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ड्रग इंक्रीजिंग रेनल सॉल्यूट एक्सक्रेशन, मतलब कि ऑस्मेटिक डायुरेटिक में ये इलेक्ट्रोलाइट लाइक वर्क करते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रिस्टल, पोटेशियम कार्बोनेट, ऐसे ही लिख सकते हैं। सेकंड नंबर है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मेनिटॉल, आइसोबार, ये हो गया ग्लिसरॉल। ओके, आगे की क्लासिफिकेशन देखते हैं। इनमें से पोटेशियम स्प्रिंग डायुरेटिक में ये दोनों इम्पोर्टेंट है, और वही सब यहाँ पे सिक्वेंस से लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नार्कोटिक एनाल्जेसिक के बारे में पूछा गया है, मतलब कि जो पेन में रिलीफ देती हैं,
एनाल्जेसिक मेडिसिंस कहलाते हैं, जो दर्द को कम करती हैं, समाप्त करती हैं। एंटीपायरेटिक जैसे कि फीवर को कम करने में, टेम्परेचर को डिक्रीज करने में, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, दर्द को खत्म करती हैं। और अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द पेन इज नॉट रिमूव नहीं करती बट वहां पे आराम फील कराती है। ठीक है, तो वही सब लिखा हुआ है बार बार। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मतलब कि ओपाइड एनाल्जेसिक, नॉन ओपाइड एनाल्जेसिक। ओपाइड एनाल्जेसिक में जैसे कि ओपियम रहेगा ही, ठीक है, ओपाइड एनाल्जेसिक है, मॉर्फिन रहेगा, तो ये है ओपाइड एनाल्जेसिक, इसे आप पढ़ सकते हैं इजिली। नॉन ओपाइड में पढ़ने वाली ज्यादा दिक्कत है, ठीक, मतलब कि जरूरत है। ओके, तो नॉन ओपाइड में कैसे रिलीफ करती हैं, एंटी पायरेटिक होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की होती हैं, इनका एनाल्जेसिक एक्शन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वर्क करता है, ठीक है, ये नॉन ओपाइड मेडिसिन होती हैं और इनका यूज मुंह से दवाई के रूप में ही खाके किया जा सकता है। और यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बना दीजिएगा, अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे आपको, और ज्यादा कठिन भी नहीं है, ठीक है। और एक पॉइंट आप डाल सकते हैं यहाँ पे, यूजेस क्या हैं, तो इसके यूजिक एनाल्जेसिक के रूप में यूज किया जाता है, प्री प्रोटेक्टिव मेडिसिन है, एनेस्थेसिस के रूप में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एंटी पार्किंसोनिस में क्या होता है, पार्किंसोनिस ड्रग, मतलब कि ये बीमारी क्या है, बीमारी क्या है, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े सभी लोग होते हैं, तो जो कपकपाहट होती है हाथों का, हाथ पैर हिलना, ठीक है, कपकपाहट मतलब बॉडी को कंट्रोल ना कर पाना, तो ये है पार्किंसोनिज्म डिसीज। ओके, पार्किंसोनिज्म डिसीज इसके लक्षण जिस प्रकार उत्पन्न होते हैं और उसके जो दवाइयां होती हैं एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग कहलाती हैं। पार्किंसोनिज्म डिसीज जो होती है वो पीडी, मतलब कि पार्किंसोनिज्म डिसीज, ठीक है, प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स या मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन होता है, सबस्टेन नाइगर डिजेनरेशन के कारण और नर्व का जो इम्प्यूल आवकमन नहीं होता है, तब ये डिसीज हो सकती है। लिवोडोपा डोपा पार्किंसोनिस सबस्टेनाइड बेस्ड गैंग्लियन डोपामिनेरिक फाइबर की कमी से, डोपामीन की कमी से ये डिसीज उत्पन्न हो जाती है और ये दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि DA1 DA2। लिवोडोपा जब ब्रेन में ब्रेन बैरियर वेस्कुलर क्रॉस कर जाता है, इसका फुल फॉर्म है, क्रॉस कर जाता है, तो डोपामीन में एल एमिनो डेक्सोकॉर्बिलोक्सिक द्वारा कन्वर्ट होकर डोपामीन D2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है तथा अपना जो इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है। और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये लिवोडोपा मेडिसिन बताई गई है, ओके, इसके साइड इफेक्ट है, मैंने कि आपको पहले ही बताया था, नोजिया वॉमिटिंग हर दवाई के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो नोजिया वॉमिटिंग लिख दीजिए आराम से, और ये हाइपरटेंशन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है यहाँ पे, ड्रग एक्टिंग ऑन आई, जो कि ग्लूकोमा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोमा ऑप्टिक नर्व के कारण डैमेज हो जाती है, उसके कारण होता है इंट्राक्यूलर टेंशन बढ़ जाती है। और ग्लूकोमा टू टाइप्स के होते हैं, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा नैरो एंजल और क्लोनिक सिमिलर सिंपल ग्लूकोमा वाइड एंजल। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में क्या होता है, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में नैरो इंडो कॉर्निया एंजल हो जाता है, मतलब कि जो नैरो कॉर्निया होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, देन रिड्यूस एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, लेस ऑफ साइट। ओके, ये इसका प्रोसेस रहता है, अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इनके लिए यहाँ पे कुछ मेडिसिन बताई गई हैं, इनमें से जो आपको इजी लगता है उसे आप लिख सकते हो। हम बात करते हैं क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा के बाद, इस प्रकार के ग्लूकोमा में इनरिड्यू कॉर्नियल एंजल जो होती है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन एज के साथ टेबिकुलर जो मास होता है वो वर्क डिजेनरेशन के कारण एक्वस ह्यूमर का फ्लो कम हो जाता है, इस वजह से ये डिसीज मतलब कि कॉर्निया सिंपल ग्लूकोमा हो जाता है। और इसकी मेडिसिन भी यहाँ पे बताई गई हैं, जो कि आप दो तीन यहाँ से लिख सकते हैं, ये टीमोलॉल वाली जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये वहां पे भी रिवाइज हुई थी, ठीक है, तो दोनों जगह आप ये लिख सकते हो। पिलोकार्पामीन भी रिवाइज हुई थी ये भी, और आइसोस्टैग्मिन भी दोबारा रिपीट हुई है।